हेलो एवरीवन आज है फर्स्ट अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुबैक्स लिमिटेड के बारे में देखिए सिक्सटी टू रुपीज का ये शेयर है और लगातार ये टूट रहा है और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो सुबैक्स के ऊपर पिछले एक साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ मेरी तब से यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है जब से ये शेयर सोलह पे था सत्रह पे था बीस बाईस पच्चीस पचास पचपन तक मेरी खरीदारी करने की सलाह थी लेकिन जैसे ही ये शेयर सत्तर रुपये के आसपास पहुंचा, तब मैंने कहा था कि यहां से अब एग्ज़िट कर लेना सबसे सही रहेगा और तब से लेकर अब तक मैंने आपको कहा है कि यहां से एग्ज़िट करना ही सबसे सही रहेगा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन से लेवल पर एंट्री दोबारा की जा सकती है और जिनके पास अभी भी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए ऊपर जाने के चांसेस है या नीचे जाने के चांसेस है और हम इसको पूरा कंपेयर करेंगे बाकी आई कंपनियों के साथ तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे तो सुबैक्स का शेयर एक साल में पाँच परसेंट का ग्रोथ दिखा चुका है बढ़िया रफ्तार थी नौ रुपये से उठकर कर सेवेंटी रुपीज़ तक ये शेयर पहुंचा। हर बार एक अच्छी रफ्तार के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई फिर रफ्तार पकड़ी फिर गिरावट आई फिर रफ्तार पकड़ी और इस बार की जो गिरावट है वो समझने वाली गिरावट है क्योंकि देखिए ये जो दौर था ठीक है ये पिछले एक साल का जो दौर था ये बुल मार्केट का दौर था और बुल मार्केट में शेयर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं जो शेयर्स में दम नहीं भी होता भैया वो भी कभी कभी दौड़ जाते हैं सुबैक्स में दम था ठीक है ऐसा नहीं कि दम नहीं था दम था कंपनी ने काफ़ी कुछ अच्छी अनाउंसमेंट भी करी थी कंपनी ने अपना कर्जा भी कम किया था कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी हो चुकी है तो ऐसे में शेयर दौड़ेगा ये बात जाहिर सी थी और इसीलिए मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन भी थी लेकिन देखिए होता क्या है कि आपको हर शेयर्स को समय समय पर चेक करना रहता है अब इसका वैल्यूएशन कैसा है और जब सत्तर के आसपास पहुंचा तब तो मुझे लगा कि भैया बहुत महंगे वैल्यूएशन पर है यहां पर तो कभी भी नहीं घुसना चाहिए और तब से मेरी यहां से एग्जिट करने की सलाह है और अभी इस वीडियो में अगर हम देखें सुबैक्स के बारे में तो देखिए सुबैक्स की एक चीज जो मुझे थोड़ी बहुत चिंता देती है वो ये है कि इसका पी रेशियो -E आप देखिए सिक्सटी का इसका पी रेशो -E है जो बहुत हाई है अपने सेक्टर पी तैतीस -E से ठीक है सेक्टर पी 33 का है जबकि पी रेशो इसका पैंसठ का है अब हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी आई कंपनियों के साथ ठीक है सबका इन्फोसिस देखे तो पैंतीस का है सालों का तजुर्बा कंपनी कई बार बोनस दे चुकी है इसका पैंतीस का है सेक्टर पी से थोड़ा ही ऊपर है ठीक है जबकि सुबेक्स पैंसठ का है एस इसका सिर्फ पच्चीस का है सेक्टर पी से काफी नीचे है ये तो आप समझ सकते हैं ये सुबेक्स इससे कितना ऊपर के पी पर ट्रेड कर रहा है सेम चीज विप्रो की मैं बात करूं इसके तीस से भी कम का इसका पी है सेक्टर पी तैतीस के आसपास है तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स है इन्फोसिस हो गया एस हो गया विप्रो हो गया इन सब से इन सब से दो गुना ज्यादा पी रेशियो के ऊपर सुबेक्स का शेयर ट्रेड करता है और देखिए ये बात क्यों समझना जरूरी है जब बुल मार्केट होता है तो सब कुछ दौड़ता है लेकिन जब बेयर मार्केट आता है तो सबसे पहले ऐसे शेयर्स में गिरावट बनती है जो भैया काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है और पैनिक भी सबसे सबसे ज्यादा क्रिएट ऐसे ही शेयर्स में होता है ठीक है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है ठीक है जी नहीं कंपनी बहुत अच्छी है अच्छी बन सकती है और बेहतर बन सकती है यहां से लेकिन यहां पर होगा क्या देखियो जिन लोगों ने नीचे के लेवल पर खरीदारी करी है ठीक है नीचे के लेवल पर जिन लोगों ने खरीदारी करी है ठीक है वो लोग क्या करेंगे बे मार्केट में वो सबसे पहले ऐसे शेयर्स में प्रॉफिट लेना पसंद करेंगे जहां पर इनका पैसा ऑलरेडी तीन गुना चार गुना पाँच गुना बन चुका है और वो कोशिश करेंगे कि भैया जो सेफ शेयर्स हैं इन्फोसिस एस सी एल यहाँ पर लगाया जाए क्योंकि देखिए बे मार्केट में ये टूटने वाले नहीं है ठीक है एस सी एल विप्रो इन्फोसिस ये बे मार्केट में टूटने वाले शेयर नहीं है तो लोग क्या करेंगे लोग यहाँ से निकालेंगे यहाँ लगाएंगे और ये जाहिर सी बात है ऐसा करना भी चाहिए ठीक है ये ऐसा करना भी चाहिए पैसों को प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो स्मॉल कैप शेयर है सुबैक्स तीन हज़ार पाँच सौ पैंसठ करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है स्मॉल कैप शेयर है ये और वॉल्यूम ट्रेड अच्छे खास है फिफ्टी सिक्स लेख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है यहां पर अगर हम देखें तो भाई साहब सुबैक्स की एक चीज़ अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो वो यही है कि इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम नजर करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आप नजर करिए प्रमोटर कुछ भी नहीं है सेम चीज यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर नहीं है एफ आई ने खरीदारी करी है डेफिनेटली जीरो पॉइंट जीरो की होल्डिंग सीधी जीरो पॉइंट सेवनटीन परसेंट है म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ नहीं डाला है यहां पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग सबसे ज्यादा है एट्टी पॉइंट फोर्टी फाइव परसेंट की रिटेल की मैं बात करूं तो रिटेल के पास 42.49 परसेंट के आसपास की होल्डिंग है तो ये एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े फंड हाउजि सुबैक्स पर भरोसा पहली चीज़ नहीं कर रहे हैं अब क्यों नहीं कर रहे हैं उनकी खुद की भी कोई ना कोई रिसर्च जरूर होगी ऐसा नहीं है कि भैया हम ही रिसर्च कर दें वो भी करते होंगे यहाँ पर अगर देखें तो पाँच परसेंट का डिविडेंड पे करें बड़े लंबे अरसे बाद डिविडेंड पे करना शुरू किया है इसी साल पे किया है जुलाई महीने में ही पे किया है यहाँ पर देखें तो 25 पैसा पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सुबैक्स टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है क्यों क्योंकि देखिए कंपनी का लॉन्ग टर्म शायद अच्छा हो सकता है लेकिन शॉर्ट टर्म मुझे उतना बेटर नहीं लग रहा है खास करके कोरोना के, के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं मार्केट में डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट हो सकता है अकॉर्डिंग टू तो मनी कंट्रोल यूजर या हंड्रेड लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं हंड्रेड लोग और मैं अभी इन हंड्रेड के साथ नहीं हूँ अगर आप मुझसे तीन महीने पहले पूछते एक साल पहले पूछते डेफिनेटली मेरी बाइंग की ही रिकमेंडेशन थी लेकिन इस चीज़ को देखकर मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभलने की तो ज़रूरत है सुबैक्स में यहाँ पर अगर हम देखें सुबैक्स के बारे में ही अगर हम बात करें तो सुबैक्स के बारे में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली कंपनी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही है ख़रीदारी और बिकवाली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है ट्वेंटी जुलाई को सुबैक्स के द्वारा सुबैक्स एम्प्लॉय वेलफेयर ईसॉप बेनिफिट ट्रस्ट के द्वारा तकरीबन तकरीबन नब्बे हजार शेयर बेचे गए थे जबकि उसी 29 जुलाई को शिव शंकर नागर आदम जो डायरेक्टर है उन्होंने डेढ़ करोड़ शेयर सॉरी डेढ़ लाख शेयर खरीदे और बाद में दूसरा जो ट्रांजेक्शन किया वो पचास हजार शेयर का था मतलब दो लाख शेयर उन्होंने खरीदे ईसॉप प्रोग्राम के थ्रू दूसरी तरफ सुबैक्स के एम्प्लॉय वेलफेयर फंड जो है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं पहले पचास हज़ार शेयर बेचे ठीक है फिर पच्चीस हज़ार पाँच सौ बेचे फिर दो लाख पच्चीस हज़ार शेयर बेचे तो वो चीज़ भी आप देखें यहां पर कि भैया दो ट्रांजेक्शन खरीदारी के हैं उसके सामने चार ट्रांजेक्शन बिकवाली के भी हमें देखने को मिले हैं और ये इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है सोबैक्स के रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा उछाल नहीं आया है सोबैक्स का प्रॉफ़िट भी अगर हम देखें तो प्रॉफ़िट में अच्छा उछाल है 51 करोड़ का मुनाफा हुआ है जो पिछले चार सालों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है सुबेक्स की अच्छी चीज ये है कि भैया कंपनी ने अपना कर्जा को कम किया है और ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुके हैं ये ग्रोथ इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बेहतर है लेकिन कंपनी जैसे कि मैंने कहा बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी कम नज़र आ रही है पिछले तीन सालों में तो सुबेक्स को लेकर मैं इतना कहूंगा कि देखो खरीदारी करी है मेरे हिसाब से तो अब आप चाहे तो यहां पर बने रह सकते हैं लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह मेरी नहीं है यहां पर फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है मुझे लगता है कि सुबैक्स के शेयर में थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है साठ रुपए से नीचे ये शेयर जा सकता है और अगर गलती से भी गलती से भी अगर बै मार्केट आ गया ठीक है बुल मार्केट है अभी ठीक है बे मार्केट आ गया तो ये साठ रुपए से पचास पे जाने में इसको टाइम नहीं लगेगा लेकिन अगर बे मार्केट नहीं आएगा ठीक है तो साठ से थोड़ा बहुत संभल जाएगा यह शेयर तो अगेन मैं कहूंगा सुबैग्स को लेकर अभी मैं यहां पर कोई कमेंट्री नहीं करूंगा खरीदारी को लेकर मेरे हिसाब से यार बहुत महंगे वैल्यूएशन के ऊपर पहुंच चुका है तो इसलिए मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा इसको हाल फिलहाल में नो डाउट कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स निकाल रही है लेकिन फिर भी अभी मेरे हिसाब से सुबैग से बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि इन्फोसिस और एस आपको फ्यूचर में दे सकते हैं तो वहां पर आप चाहे तो पैसा लगा सकते हैं सुबैग्स मेरे हिसाब से साठ रुपये से नीचे कचर हो जाता है तो दोबारा इसको इवेल्यूएट किए किया जाएगा कि भैया किस तरीके के संजोग बने हैं और किस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है तो अभी खरीदने की सलाह नहीं है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि साठ रुपये से नीचे शेयर जाएगा तो दोबारा सुबह का एक वीडियो ज़रूर आएगा जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अब क्या सिचुएशन यहां पर बन रही है तो वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा पसंद आया हो तो लाइक कर तो करें चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सुबैक्स लिमिटेड के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं थैंक यू